DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. कोराड़ी थाना अंतर्गत समलैंगिक साथी की हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने मामूली गाली गलौज में जानलेवा हमला कर साथी को मौत के घाट उतार दिया। कोराड़ी थाना अंतर्गत वारे गांव स्थित खेत में पशुओं के गोठे के पास अर्धनग्न अवस्था में व्यक्ति का शव पाया गया। समलैंगिक संबंधों के चलते गाली गलौज करने पर उसे साथी ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना का खुलासा गुरुवार को सुबह हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मृतक घनश्याम गणपत सिरसाम, उम्र 45 वर्ष, मध्य प्रदेश का सिवनी जिला सर्व अंतर्गत विजयपानी, वर्तमान में वारेगांव निवासी था। वो वारेगांव निवासी दूध विक्रेता एवं किसान नरेश देहुरे के यहाँ चरवाहे का काम करता था। 2 वर्ष पहले काम छोड़कर घनश्याम अपने गाँव गया था। अभी करीब 15 दिन पहले ही वो वापिस आया। पुराना नौकर होने से नरेश ने उसे फिर काम पर रख लिया। वो गांव से सटकर खेत में पशुओं के गोठे के पास एक कमरे में रहता था। उसकी खापरी निवासी संदीप चंद्रभान गोंडांगे, उम्र 23 वर्ष, नामक मजदूर से पहचान हो गई। दोनों के बीच समलैंगिक बंधन बने। हमेशा की तरह बुधवार गुरुवार के दौरान रात दोनों गोठे के सामने मिले। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। घनश्याम ने गाली गलौज की तो गुस्साए संदीप ने वहां पर पड़ा डंडा उठाया और घनश्याम के सिर पर दे मारा। इसे लहूलुहान घनश्याम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुरुवार को तड़के जब नरेश खेत में पहुंचा तो अर्धनग्न अवस्था में चारपाई पर घनश्याम का शव दिखा। उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। वरिष्ठ निरीक्षक नागू से सदल बल मौके पर पहुंचे। गांव में कुछ लोगों को दोनों के संबंधों की जानकारी थी। इसके आधार पर संदीप को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। आज सकाळी आम्हाला 7 दरम्यान खापरी गाँव में एक विषम हा करून असल्याची माहिती मिळाली। त्या ठिकाणी मग आमच्या स्टॉप आणि आम्ही स्टॉप आणि आम्ही स्वतः तिथं जाऊन खात्री केली। त्यावेळेस तिथं घनश्याम गणपत सिरसाम वय 45 वर्ष राहणार हा मध्य प्रदेश येथील विजयपानी तालुका जिल्हा शिवणी सध्या हा खापरी येथे नरेश जीवतुजी देवरे यांच्या घरी हा म्हणजे शेतामध्ये गोठ्यावर तो काम करायचा। त्याचे कसं कोणत्या तरी कशात काठीने तो कुठल्या तरी हत्याराने डोक्यावर मारून त्याचे जखमी करून तो त्याला मारल्याचे निष्पन्न झाले। त्यावरून आम्ही जे घटनेची जी माहिती देणार आहे गौतम योगराज बोरमाटे बारमाटे याची फिर्याद घेऊन तो गुन्हा दाखल सध्या दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। हा आम्ही आता त्यामध्ये एक संशयित इसमाला घेतलेल्या ताब्यामध्ये त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना विचारपूस करून पुढील कारवाई आम्ही करणार आहोत। हा ते घटनास्थळावर जे बॉडी मिळालेली आहे ते अर्धवट नग्न आणि अर्धवट छाती आणि पोटाच्या भागाला कपडे आणि खालच्या भागाला खुली होती। तर त्याच्यावरून आम्ही थोडा अंदाज बांधलाय ते काही अनैसर्गिक प्रकार आहे किंवा काय त्याच्या संदर्भात तपास सुरू आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। एनरोल नाउ फॉर मोर डिटेल्स कॉल